हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे YDRC के लिए, एक केस के लिए जहाँ पे अपन कुछ स्लैब इंसर्ट कर देते हैं, दैट वाज YDRC विद ए ग्लास स्लैब। तो उसका इफेक्ट अपन ने देखा था कि एक्चुअली में ग्लास स्लैब इंसर्ट करने से क्या फ़र्क पड़ता है। बेसिकली इन दैट केस योर इफेक्टिव पाथ लेंथ चेंजेस, और वी से देयर एयर अराइजेज ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट सम एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाथ डिफरेंस अराइजेज, एंड दैट रिजल्ट इन चेंज इन आइदर लाइक शिफ्टिंग ऑफ योर फ्रिंज पैटर्न, और यू कैन से लाइक कंडीशन लाइक इज इट नॉर्मली लाइक इन विदाउट स्लैब, इफ वी आर गेटिंग एट सम पॉइंट लेट्स से ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, देन व्हेन वी आर इंसर्टिंग द स्लैब थिंग्स चेंजेज। एक्चुअली वो भी अपन ने देखा था कि क्यों चेंज हो जाता है। आई कैन ट्राई टू लाइक मेक यू अंडरस्टैंड दैट सेम पार्ट विद लाइक इन डिफरेंट वे। द एग्जैक्टली टर्म वॉज एग्जैक्टली लाइक सेम, जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है और वो सब चीज़ें। देखो इसमें होता है क्या, एक्चुअली मैन दोज हु आर स्टिल लाइक हैविंग सम प्रॉब्लम, तो ये सेम केस अपन लास्ट टाइम भी लिए थे। इसमें क्या होता है कि लाइक ये अगर मीडियम है लेट्स से रे 1 एंड रे 2, तो दोनों रे ऐसे जा रही हैं। दिस इज लेट्स से एयर मीडियम, और ये भी मैं मान लेता हूँ पूरा एयर मीडियम, बट हियर दिस इज सम म्यू मीडियम एंड इट्स लेट्स से लेंथ इज, मैं इसको टी मान लेता हूँ। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, लाइक ये अपन ने देखा था कि यहाँ पर अगर वेव लेंथ लेट्स से कुछ लैम्डा है, यहाँ पर भी वेवलेंथ कुछ लैम्डा होगी, इट्स इन सेम मीडियम राइट, बट व्हेन इट इज एंटरिंग इन दिस मीडियम एक्चुअली द वेवलेंथ चेंजेस राइट, वेवलेंथ अपनी चेंज हो जाती है, एंड व्हेन इट इज कमिंग बैक टू द सेम मीडियम देन अगेन इट विल बी लाइक नॉर्मल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन वेवलेंथ, लाइक यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सेम पाथ लेंथ तो सेम ही है टी, इज इट, तो ये जो टी है जो हमें दिखाई देता है उसको हम ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वेवलेंथ चेंज हो जा रही है, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ वेव्स भी चेंज हो जाएंगी। अगर इतने पाथ में यहाँ पे कुछ वेव्स आ रही हैं, तो इतने ही पाथ में जो मीडियम चेंज हो जा रहा है, तो नंबर ऑफ वेव अलग हो जाएंगी। जब नंबर ऑफ वेव्स अलग हो गई, तो उससे क्या होता है, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड, अगर लाइक एक वेव है उसी की जगह 1.5 वेव है, देन देयर विल बी लाइक चेंज इन फेज। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन हो रही है कि यहाँ पे वेव नंबर ऑफ वेव चेंज होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, फेज चेंज आ जाता है बेसिकली। तो इसी फेज चेंज को हम बेसिकली कंसिडर करने के लिए हमने एक ऑप्टिकल पाथ और ज्योमेट्रिकल पाथ का लाइक कंसेप्ट डिफाइन किया, और उसकी हेल्प से हम वो फेज चेंज को कंसिडर कर सकते हैं। इसी को मतलब मैं जहाँ पर दूसरे तरीका से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ये पता है कि इस मीडियम में जो लैम्डा मीडियम होगी वो क्या होगी, लैम्डा नॉट बाई म्यू, अगर ये वाले लैम्डा नॉट है तो राइट ना। तो अब इसमें देखो, इतने पाथ में नंबर ऑफ वेव में निकाल सकता हूं, इज इट नंबर ऑफ वेव्स इन टी लेंथ, इज इट इनसाइड स्लैब, इसको मैं स्लैब, तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स क्या हो जाएंगे, बेसिकली टी डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम, सही है ना। नॉर्मली तो लाइक है वही सेम पाथ में, बट इसके अंदर क्या हो जाएगा, थिकनेस लाइक जो लेंथ है वो तो अपना टी ही हो गया, लेकिन अब क्या होगी, इसके अंदर जो वेव लेंथ होगी दैट विल बी लैम्डा मीडियम, और इसको आप देख सकते हो दिस कम्स आउट, तो ये क्या नंबर ऑफ वेव्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट बाई म्यू, बिकॉज लैम्डा मीडियम इज लैम्डा नॉट बाई म्यू, तो ये अपने पास आ जाता है म्यू टी बाई लैम्डा नॉट, इज इट क्लियर। तो ये इफेक्टिवली लाइक नंबर ऑफ वेव लेंथ आ गई, जो कि क्या है बेसिकली यहाँ पे आप इनको ट्रीट कर सकते हो इस मीडियम के लाइक अकॉर्डिंगली, इज इट, मतलब कि इसमें ज्योमेट्रिकल पाथ ये आ रहा है, और ये यहाँ से हम हमारे पास क्या आ गई है, नंबर ऑफ वेवलेंथ आ गई, इज इट। अब मैं टोटल इसकी जो बोलूंगा कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ, इज इट, ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब कि इसका इक्विवेलेंट थिंग इन एयर एक्चुअली। तो अब इसमें मेरे पास ये क्या है, नंबर ऑफ वेवलेंथ आ गई, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर वेवलेंथ ऑफ बेसिकली लाइक एयर मीडियम, तो ये मेरे को एक इफेक्टिव पाथ दे देगा बेसिकली, इज इट। सो उसी को हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोल देते हैं। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली लैम्डा नॉट इनटू नंबर ऑफ वेव्स, क्योंकि ये जो वेवलेंथ चेंज हो रही है उसके इफेक्ट को कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज लैम्डा नॉट इनटू म्यू टी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट, तो ये आपके पास आ जाता है सिंपली म्यू टी, तो ये ऑप्टिकल पाथ हो जाता है। तो जो पाथ डिफरेंस है आप बोल सकते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, इसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस,
तो वो क्या आ जाएगा, सेम म्यू टी माइनस ज्योमेट्रिकल पाथ एंड दैट कम्स आउट टू बी म्यू माइनस वन इंटू टी। तो ये तो रिजल्ट सेम ही है, बस ये जस्ट समझने का तरीका अलग है कि हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। तो यही सेम चीज़ अपन को यूज हो जाती है वहाँ पे वाई डी एस ई विद स्लैब एक्चुअली। तो उस सिचुएशन में अपन ने देखा कि हमारा जो फ्रिंज पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाता है बिकॉज ये जो स्लैब हम इंसर्ट करते हैं उससे एक एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाता है, ज्योमेट्रिकल नहीं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस आ जाता है, तो उसकी वजह ऐसी चीजें शिफ्ट हो जाती हैं। तो ये भी अपन ने देखा था कि जिस लाइक स्लिट के सामने हम स्लैब रख रहे हैं उसी ओर उसी डायरेक्शन में हमारा फ्रिंज पैटर्न चेंज हो जाता है। सो आई सॉल्व वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट लाइक एप्लीकेशन। यू ट्राई मोर प्रॉब्लम फ्रॉम लाइक आई विल गिव यू होमवर्क फ्रॉम लाइक दक्षिणा सीट एंड क्वेश्चन बैंक एक्चुअली। ओके सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दैट होमवर्क। लेट्स कंटिन्यू हियर ऑनवर्ड। सो दिस वॉज बेसिकली अबाउट लाइक ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। अगर आपको फिर भी, मैं आपको सिंपल टर्म्स के लिए ही बोलूँगा कि अगर स्टिल इफ़ यू स्टिल हैव सम प्रॉब्लम, सिंपल सी बात ये समझ लो कि जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स बिकॉज ऑफ स्लैब, तो वो आपका हो जाता है म्यू माइनस वन इंटू थिकनेस ऑफ द स्लैब। सिंपल टर्म, ये एडिशनल पाथ आ जाता है जिसको आपको कंसीडर करना है एंड देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, इज इट। तो ये सिचुएशन थी। ओके लेट मी सॉल्व गिव यू वन एग्जांपल दैट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली, आई होप यू लाइक। सो लेट्स से वी हैव ए सर्कुलर, इज इट, रिंग ऑफ वायर इज प्लेस्ड and two light source S1 and S2 are placed as shown below. This is one problem actually. तो यहाँ पर एक अपने पास circular wire ring है, मतलब बेसिकली दिस वायरिंग, और इसके डायमीटर के अलॉन्ग एक्चुअली में, सो यू कैन टेक आइदर यहाँ पर और यहाँ पर, मैंने एक दो सोर्स S1 S2, यस, इनके बीच का जो सेपरेशन है, दिस सेपरेशन इज इक्वल टू लेट्स से 3 लैम्डा। ओके मैं सेपरेशन को, एंड अनदर थिंग इज एक्चुअली ये दिस सेपरेशन रेडियस, दिस इज इक्वल टू रेडियस इज आर एंड दिस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 3 लैम्डा। दिस इज ऑल्सो कंडीशन गिवन। तो अब आपको पूछा गया है कि ये दो सोर्स हैं राइट, तो उनकी वजह से क्या होगा, इल्यूमिनेशन आएगा एंड दे विल एक्चुअली क्रिएट सम इंटरफेरेंस पैटर्न अलॉन्ग दिस रिंग एक्चुअली। सो यू आर आस्क टू फाइंड द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस और स्पॉट्स ऑन दिस रिंग एक्चुअली। सो फाइंड ए नंबर ऑफ ब्राइट स्पॉट B, number of dark spot, and C, like find angle theta with, is it, S1, S2 axis for bright spots. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में, कि यहाँ पे हमारे पास ये भी एक YDSS सिस्टम का टाइप का ही है, दो सोर्सेस को अपन ने इस तरह से रख दिया गया है, इनके बीच का सेपरेशन तुम्हें दे रखा है 3 लैम्डा, और ये रिंग पे हम ऐसे समझ लो कि अपन जो भी इनका इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अभी आपको पूछा है कि जो रिंग है उस पर टोटल कितने नंबर ऑफ ब्राइट कितने नंबर ऑफ डार्क स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे, क्लियर ना। लेट्स सी इट एक्चुअली। प्रॉब्लम अच्छा है और आसान भी है आपको, बिकॉज यू आर लुकिंग एट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दैट्स वाई इफ यू थिंक अबाउट इट डेफिनेटली यू इट विल बी लाइक अपियरिंग वेरी कॉम्प्लेक्स टू यू, बट नथिंग, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स एक्चुअली। यहाँ पे क्या है, एक अप्रोच है जो कि आपको अभी मालूम नहीं है, सो यू शुड नो द अप्रोच। वंस यू आर क्लियर विद द अप्रोच यू विल फाइंड इट वेरी इजी एक्चुअली, राइट। तो उस तरह के जो भी मॉडल आपके पास आएंगे आगे, तो आपको वो भी बहुत आसानी से बना लोगे आप। तो इसी तरह से आप लाइक डिफरेंट टाइप्स के मॉडल ट्राई करो, तो देन यू विल हैव लाइक बेटर लाइक कॉन्फिडेंट एंड यू विल फील बेटर अबाउट द कंसेप्ट एंड टॉपिक आल्सो। ओके सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू दिस। तो इसमें देखो हो क्या रहा है एक्चुअली में, लेट मी टॉक अबाउट द ब्राइट स्पॉट, इज इट। सो फर्स्ट ब्राइट स्पॉट, मतलब ब्राइट स्पॉट का मतलब आप समझ सकते हैं ब्राइट फ्रिंज, इज इट,
तो यहां पे देखो क्या होगा, इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, ये वाला पॉइंट, तो यहां से रेज आ रही होंगी, इन यहां से रेज आ रही, बोथ विल बी इंटरफेयरिंग हेयर, और ये सिमेट्रिकली अगर है, ये एग्जैक्टली ये दोनों सिमेट्रिकली रखे गए हैं बेसिकली, इज इट? सो दिस इज 1.5 लैम्डा, दिस इज आल्सो 1.5 लैम्डा। तो इस सिचुएशन में इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो कैन यू जस्ट थिंक अबाउट व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट लाइट रीचिंग फ्रॉम दीज टू सोर्सेस? सो डेफिनेटली हेयर द पाथ डिफरेंस विल बी जीरो। द पाथ डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो लाइट आ रही है वो क्या आ रही है, दोनों सोर्स से सेम है। एंड लेट मी मेंशन एस वन एस टू आर कोहेरेंट सोर्सेज, एस वन एंड एस टू आर कोहेरेंट सोर्सेज, इज इट? ये भी मेंशन है एक्चुअली। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ब्राइट स्पॉट आ गया, क्लियर? ओके, लेट मी थिंक अबाउट दिस पॉइंट एक्चुअली। अब यहां से अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, लेट मी से दिस इज ए बी सी एंड दिस इज डी, जो पॉइंट है जिसमें मेरा ब्राइट, मैं इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ए पॉइंट के लिए मैं बात करूंगा, तो ए पॉइंट के लिए देखो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, एस वन ए माइनस एस टू ए, इज इट? सो हेयर फॉर ए पॉइंट, इज इट? फॉर ए पॉइंट, तो यहां पे जो मैं पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लिखूंगा, दैट इज एस वन ए माइनस एस टू ए। अब यहां पे देख सकते हो एस वन ए माइनस एस टू ए, तो अल्टीमेटली दिस इज द पाथ डिफरेंस अराइजिंग हेयर एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, सिंपली आई कैन राइट 3 लैम्डा। और ये भी गया, इट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो इस सिचुएशन में ए पर भी क्या बनेगा अपना, यू कैन से एट पॉइंट ए, पॉइंट ए यू कैन राइट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वॉट, एल लैम्डा, इज इट? सो दैट्स वाई ब्राइट स्पॉट। समझ में आया? तो यहां पर भी क्या हो रहा होगा, अपना ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी। तो इस तरह से देखो, अब मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करो, यहां पर आ गया अपने पास ब्राइट, यहां पर आ गया ब्राइट, है ना? एग्जैक्टली मैं उसी तरीके से बोलूं तो यहां पर भी मेरे पास एक्चुअली में ब्राइट आ जाएगा, इधर भी ब्राइट आ गया, और यहां पर भी एग्जैक्टली इसके सिमेट्रिकली, क्योंकि देखिए यहां पर भी जीरो, तो यहां से भी जो दोनों लाइट आएंगे सिमेट्रिकली आएंगे, तो यहां पर भी अपने पास ब्राइट स्पॉट बन जाएगा एक्चुअली में, क्लियर? बी पे। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, पाथ डिफरेंस जीरो, यहां पर पाथ डिफरेंस मैक्सिमम, क्लियर ना? और कितना है, 3 लैम्डा। तो अब पाथ डिफरेंस जीरो से बढ़ता 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 3 लैम्डा हुआ है, तो बीच में क्या होगा, जीरो से फिर कुछ लैम्डा बाई टू लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसे तो बड़ा होगा ना डेफिनेटली। तो अब मैं जैसे अगर मैं किसी पॉइंट की बात करता हूँ जनरल पॉइंट के लिए, राइट? तो लेट्स से दिस इज माय जनरल पॉइंट। अनदर थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज दिस कंडीशन, यहाँ पे आपको देखने से नहीं लग रही है, बट दिस इज द सिचुएशन गिवन, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 3 लैम्डा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये अगर मेरा कोई पॉइंट है जनरल पॉइंट, इज इट? ये इसको अगर मैं थीटा ले लेता हूं, दिस एंगल इज थीटा, तो अभी देखो इसको मैं क्या मान सकता हूं, क्योंकि लाइक ये बहुत दूर है एक्चुअली में, सो आई कैन अगेन कंसिडर कि ये ऑलमोस्ट दोनों पैरेलल हैं, तो ये पाथ लेंथ और ये पाथ लेंथ लगभग सेम हो गई, तो जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज एक्चुअली योर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, क्लियर ना? और अपन एग्जैक्टली वही जो अपन ने लाइक YDSC में किया था, ये एंगल थीटा, मैं इसको भी ऑलमोस्ट थीटा ही मान सकता हूँ, ये वाले को थीटा। तो एस वन एस टू, लेट मी राइट दिस इज पॉइंट सम पी, इज इट? तो जो डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वॉट, एस वन पी, और एस वन पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू वॉट, एस वन एस टू इंटू कॉस थीटा, इज इट क्लियर? एस वन एस टू इंटू कॉस थीटा, इन ये परपेंडिकुलर हो गया, एस ये एंगल एस वन पी एस टू, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल हो गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो पाथ डिफरेंस क्या आ गया अपना, एस वन पी, तो एस वन पी को क्या लिख सकता हूं मैं, एस वन एस टू इंटू कॉस थीटा, क्लियर? तो ये अपने पास आ गया, और एस वन एस टू अपन को पता है ये कितना है, दिस कैन बी 3 लैम्डा इंटू कॉस थीटा, इज इट क्लियर? अब देखो ये जब थीटा की वैल्यू यहां पर क्या हो रही है, जीरो फॉर ए, यू कैन राइट फॉर ए थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आप देख सकते हैं डेल्टा एक्स कितना आ रहा है आपका, 3 लैम्डा एग्जैक्टली। फॉर डी
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से भी देख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एग्जैक्टली वही सेम सिचुएशन। तो एक जनरल टर्म्स में ये मैं लिख सकता हूँ, दिस इज माई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा कॉस थीटा। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ये जनरल पॉइंट में आ गया, अब ये जीरो से 3 लैम्डा जा रहा है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, ये लैम्डा, तो यू कैन सी ब्राइट स्पॉट। फिर यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा 2 लैम्डा, यहाँ पर भी ब्राइट हो गया, इज इट, मैं डॉट लगा दे रहा हूँ ब्राइट के लिए, ब्राइट ब्राइट। तो अब इन यहाँ से जीरो से लैम्डा, लैम्डा से 2 लैम्डा, 2 लैम्डा से 3 लैम्डा, तो बीच में पाथ डिफरेंस कहाँ आएगा, कुछ लैम्डा बाई 2, यहाँ पर कुछ 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ पर कुछ 5 लैम्डा बाई 2। इसी तरीका से यहाँ पर क्या हो गया, 3 लैम्डा 0, तो इसके बीच में यहाँ पर क्या आया होगा, ये 0, तो यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर कितना हो गया 2 लैम्डा, यहाँ पर कितना हो गया 3 लैम्डा। अब इनके बीच में ये लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ पर क्रॉस क्रॉस क्रॉस, क्रॉस का मतलब डार्क, डॉट मीन्स मैं जस्ट कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ ब्राइट फ्रिंज। एग्जैक्टली सेम मैनर में आप इधर भी लोकेट कर सकते हैं, तो इधर 0 है, इधर 3 लैम्डा है, तो यहाँ पर क्या होगा लैम्डा लैम्डा सॉरी, एंड यहाँ पर भी 2 लैम्डा, देन 3 लैम्डा, तो यहाँ पर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, एंड सिमिलरली फॉर दिस साइड, तो ये 3 लैम्डा, यहाँ पर कितना हो गया 2 लैम्डा, यहाँ पर कितना हो गया लैम्डा, इसके बीच में ये बेसिकली 3 लैम्डा, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 एंड 5 लैम्डा बाई 2। तो इस तरह से हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर बेसिकली अपना ब्राइट डार्क स्पॉट आएगा। ये अपने कन्वेंशनली लाइक जस्ट एक रफली लोकेट कर लिए पॉइंट कि कहाँ ब्राइट स्पॉट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डॉट्स बेसिकली ब्राइट स्पॉट इज इट और ब्राइट फ्रिंज एंड क्रॉस डार्क फ्रिंज। क्लियर, ओके, दैट इज माई पॉइंट। तो नाउ आई कैन काउंट एक्चुअली, यहाँ पे देखो ब्राइट कितने बन रहे हैं एक्चुअली में, यू कैन काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सो यू कैन राइट हियर नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रिंजेस दैट यू कैन काउंट 12। सिमिलरली बी पार्ट, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस और डार्क स्पॉट इज इट दैट विल बी, तो डार्क आप यहां से काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, और एक क्वाड्रेंट में क्या आ रहे हैं 3, और 4 क्वाड्रेंट है, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 12, राइट। तो ये आ गए, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट बचता है कि तुम्हें पूछा गया है थीटा, फाइंड द एंगल थीटा विद एस वन एस टू एक्सिस फॉर ब्राइट स्पॉट्स, किसी के भी लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो ओके, इस पॉइंट के लिए देखो मेरे को क्या समझ में आ रहा है, डेल्टा एक्स इस पॉइंट के लिए कितना होगा, अगर मैं ओके इसके लिए तो जीरो हो गया, इसके लिए 2 लैम्डा इज इट, इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ फॉर एंगल थीटा, तो इज इट सी पार्ट, लेट मी राइट, बिकॉज देखो ये जो एंगल वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर उसके हिसाब से जितने एंगल पे ये होगा उतने एंगल पे ये होगा, जितने एंगल पे ये होगा इधर से उतने एंगल पे ये होगा, तो मतलब मैं दोनों के लिए निकाल लेता हूँ, बाकी एंगल तो हम नॉर्मली ऐसे ही समझ सकते हैं, लिख सकते हैं एक्चुअली में। सो लेट मी राइट एंगल इज इट फॉर 2 लैम्डा ब्राइट फ्रिंज, मतलब एक जो ब्राइट फ्रिंज जिसके लिए पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, तो उसके लिए अभी देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 3 लैम्डा इनटू कॉस थीटा, और ये डेल्टा एक्स कितना है इसके लिए 2 लैम्डा, सो दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो इसका मतलब क्या आ गया, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, इज इट क्लियर। सिमिलरली आई कैन राइट फॉर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, आई कैन राइट, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, तो ये अपना एंगल यहाँ से आ गए, ये बेसिकली इसके लिए ये वाला एंगल आ गया, इसके लिए ये यहाँ से ये एंगल आ गया, और ये इधर क्या हो जाएंगे, थीटा नेगेटिव में हो जाएंगे, इसके लिए आप इधर से मतलब बेसिकली यहाँ से रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये ओके लेट मी राइट जस्ट सो यू, अदरवाइज यू मे हैव कंफ्यूजन,
लिसन इट, अभी हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास ये S1, ये S2 है। मैंने यहाँ से ये 2 लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ये एंगल लेट से थीटा 1, मैं इसको अगर बोल देता हूँ थीटा 1, ये थीटा 2, तो मैंने थीटा 1 निकाल लिया और थीटा 2 बेसिकली इसके लिए थीटा 2 भी निकाल लिया, ठीक है ना, थीटा 1 थीटा 2। अब इधर जो आएगा 2 लैम्डा, इधर आएगा लैम्डा, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ये माइनस थीटा 1, इसके लिए क्या आ जाएगा इधर से माइनस थीटा 2, ऐसे ही। अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, ये 2 लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ये थीटा 1 और लैम्डा के करस्पॉन्डिंग ये थीटा 2, इज इट। तो अगर मैं इस एक्सिस से बात करूँ, इस वाली एक्सिस से, तो उसके लिए मैं ये वाले पार्ट इरेज कर देता हूँ, है ना। सो लेट मी राइट इट, तो जस्ट फॉर वन आई एम शोइंग यू। तो अब मेरे को अगर इस एक्सिस से एंगल पूछा गया ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली व्हाट, पाई माइनस थीटा 1। एग्जैक्टली, यू कैन राइट फॉर अदर्स केसेस आल्सो। तो ये आपके पास थीटा, सो दिस इज वन जस्ट मॉडल, एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम कि इसको कैसे अप्रोच करते हैं। आई होप दिस शुड बी क्लियर टू यू, इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ें। हाँ, एक नया टाइप का प्रॉब्लम था जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, लेट मी लाइक कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट YDSE, बट अभी वो केस अपन लाइक बात करने वाले हैं जहाँ पे हमारा अगर सोर्स है, इज इट, वो सिमेट्रिकली नहीं रखा गया है, इन दैट केस हाउ विल लाइक टेक केयर ऑफ दैट अनसिमेट्रिक, इज इट, सिचुएशन और पोजीशन ऑफ द सोर्स, उसको अपन लिखते हैं ऑब्लिक इंसिडेंट्स, इज इट, YDSE विद ऑब्लिक इंसिडेंट्स। सो लेट मी फर्स्ट रेज इट। ओके, सो नेक्स्ट केस वी फॉर द YDSE वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज YDSE विद ऑब्लिक इंसिडेंट्स। द सेटअप लुक्स लाइक समथिंग दिस, यहाँ पे अभी जो अपन ने देखा था ये स्लिट्स S1, S2, बाकी सेम चीज़ें, कैपिटल डी सेपरेशन, दिस इज द फाइनल स्क्रीन ऑन विच वी आर गेटिंग द इंटरफेरेंस पैटर्न। एंड यहाँ पे पहले था कि हमारा स्लिट जो सोर्स था इनिशियली वो कुछ सिमेट्रिकली ऐसे इस एक्सिस पे सिमेट्रिकली रखा गया था, तो इधर हमारे पास कोई पाथ डिफरेंस, ये दोनों स्लिट S1 S2 से पहले कुछ भी पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा था। बस यहाँ पे जो अंतर आ गया है, चेंज है या डिफरेंट है सिचुएशन, वो यही है कि अब यहाँ पे क्या हो रही है, ये एक्सिस है तो इसके कुछ लाइक एंगल पे हमारी रेज इंसिडेंट हैं। लेट से अब पैरेलल रेज आ रही है, तो हम मान के चलते हैं कि सोर्स हमारा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन, और यहाँ पे लाइक थोड़ा बहुत अलग भी सिचुएशन आ सकती है आपको जो भी प्रॉब्लम में आएंगे, सो नो नीड टू लाइक वरी अबाउट। हमारा मतलब ये है कि हाँ, अगर चीज़ें थोड़ी सी अनसिमेट्रिकली रखी गई हैं, वहाँ पे कैसे डील करना है, दैट इज द पॉइंट हेयर एक्चुअली। सो द केस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज YDSE विद द ऑब्लिक इंसिडेंट। तो अभी इसके लिए भी देखो करेंगे क्या, क्योंकि हमें ये तो समझ में आ गया है कि अल्टीमेटली यहाँ पर हो क्या रहा है। हम जब पॉइंट अलग अलग ले रहे हैं, तो उस पॉइंट के लिए हमारा जो रेज आ रही हैं उनके बीच में कुछ पाथ डिफरेंस आ जा रहा है, इन दैट पाथ डिफरेंस रिजल्ट इन सम चेंज इन फेज बेसिकली, और यू कैन से फेज डिफरेंस। तो उसकी वजह से कभी जो इंटरफेरेंस है वो कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, तो वहाँ पे हमें ब्राइट स्पॉट, ब्राइट फ्रिंज दिख जाती है। कभी वो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, वहाँ पे हमें डार्क स्पॉट और डार्क फ्रिंज दिख जाती है। तो अभी सिंपल सी चीज़ है, करना क्या है यहाँ पे, हर एक जो भी जनरल पॉइंट आपको पूछा गया है उसके लिए हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस का रिलेशन लिख लेंगे, और पाथ डिफरेंस क्या क्या आ रहा है वो हमें समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें यूज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यह कई बार क्या होता है कि पाथ डिफरेंस आप प्रैक्टिकली देखोगे कुछ और आपको लगेगा, बट क्योंकि फिजिक्स है चीज़ें, यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि ये जो स्मॉल डी होता है हमारा, ये डी दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू कैपिटल डी। तो जो डायग्राम से तुम्हें दिखता है, कभी कभी हमें वो नहीं लेना होता है, उसके लिए आपको चीज़ों को समझना होगा कि हम कौन सी अप्रोच कैसे फॉलो कर रहे हैं, एंड यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली दैट अप्रोच, तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। जैसे मैंने बोला था पहले कि अब आप देखोगे तो यहाँ पे तो क्या है, ये रेज ऐसे जा रही है, तो हम एग्जैक्टली मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा, मैं इसको पाथ डिफरेंस बोलूँ, तो नहीं ले सकते लॉजिकली, मतलब लाइक इस डायग्राम से देखा है तो नहीं है। But with this assumption that small d is very very, is it? With
स्मॉल डी इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल डी, अगर ये कंडीशन में मान लेता हूँ, जो कि हमारे ऑलमोस्ट एवरी केस में होती है, उस सिचुएशन में मैं ये अजम्पशन मान सकता हूँ और मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होगी कि हाँ हमें अगर पाथ डिफरेंस लिखना भी है तो हम कैसे लिखेंगे, करेक्ट ना। वंस यू हैव पाथ डिफरेंस देन इट्स लाइक ईजी, ओके। सो लेट मी राइट, दिस इज माई पॉइंट पी, तो आई कैन राइट द पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट पी, इज इट पाथ डिफरेंस for point P, is it? इस सिचुएशन में तो इसके लिए देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो पाथ डिफरेंस मेरा ये समझ सकते हो कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्योंकि ये मैंने क्या मान लिया, ऑलमोस्ट पैरेलल है और ये इन्फिनिटी पे बहुत दूर जा कर के मिल रही हैं, तो अल्टीमेटली ये पैरेलल हो गई, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों बराबर हो गई, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आया वो ये क्या है, ये आया डेल्टा एक्स, लेट मी राइट इट डेल्टा एक्स वन, क्लियर ना। और डेल्टा एक्स वन को देखो, ये थीटा है तो हम इसको भी थीटा लिख लेते हैं, और डेल्टा एक्स क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स वन अभी मैं लिख रहा हूँ सिंपली, डेल्टा एक्स वन को मैं क्या लिखता हूँ, डी साइन थीटा, क्लियर ना। एग्जैक्टली अगर मैं यही लॉजिक इधर में अप्लाई करता हूँ, ये तो क्लियरली पैरेलल आपको दिख भी रही है, तो यहाँ पर भी आपका ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये 90 डिग्री, तो ये थीटा नॉट एंगल, तो ये एंगल भी तुम्हारा थीटा नॉट हो जाता है। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर एक्चुअली। तो इसको आप नाम दे सकते हो, लेट्स से दिस इज अ डी, लेट मी राइट इट, दिस इज पॉइंट स्मॉल, ओके नॉट डी एल लाइक एम, एंड लेट्स से दिस इज एन, तो एस वन एम भी आपका परपेंडिकुलर है और एस वन एन भी परपेंडिकुलर है, तो अभी एंगल एन एस वन एस टू इज थीटा नॉट, angle, let me write it here, angle n s1 s2 is theta naught, and angle, is it angle, this is s2 s1 m and yes this is theta angle, क्लियर ना। वही जो पहले अपन ने सिचुएशन देखी थी उस हिसाब से, तो डेल्टा एक्स वन आ गया, और इधर भी कुछ यहाँ पे बस जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि इधर भी कुछ पाथ डिफरेंस, ये इसको मैं एक्सटेंड करके ऐसे लिखता हूँ, तो ये पाथ डिफरेंस इधर भी आ जा रहा है, एंड लेट मी राइट इट, दिस इज डेल्टा एक्स टू, तो डेल्टा एक्स टू को मैं लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू वॉट, डी साइन थीटा नॉट। अब ये आपको ध्यान देना होगा कि जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो रे मेरी S2 से पास हो रही है, वही दोनों जगह एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है, करेक्ट ना। तो अब इसके लिए जो मेरा टोटल पाथ डिफरेंस आएगा, इज इट पाथ डिफरेंस डेल्टा X, इस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि ये रे आई ऐसे चली गई और ये रे ऐसे आ रही है, तो एक तो यहां पे एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है और एक इधर भी एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, तो यही रे एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, इसीलिए मैं टोटल जो डेल्टा एक्स इसके लिए लिखूंगा वो आएगा डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू, क्लियर ना। एंड दैट यू कैन राइट बेसिकली डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा नॉट, तो ये हमारा डेल्टा एक्स आ गया। अब कंडीशन क्या है, बाकी अगर आपको पूछा गया है कि लाइक मैक्सिमा मिनिमा, तो उसके लिए क्या करो, दिस शुड बी लाइक सेम, अगर मैक्सिमा की कंडीशन है तो इट शुड बी लाइक एन लाइक इक्वल टू एन टाइम्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इज इट, और इफ इट इज लाइक कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, तो लैम्डा बाई टू का ऑड मल्टीपल, राइट। तो ये सिचुएशन अपने पास आ गई पाथ डिफरेंस की फॉर पी पॉइंट, इज इट, और यू कैन राइट अबव द एक्सिस। अब देखो इसी में अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट पूछ लेता हूं, इज इट फॉर पॉइंट बिलो, दूसरी चीज ये आप देख सकते हो इस सिचुएशन के लिए, दिस कैन नेवर बी जीरो, मतलब ये ऊपर कभी भी जो पाथ डिफरेंस है वो अपना जीरो हो नहीं सकता, इज इट, यू कैन राइट, इज इट फॉर एनी पॉइंट अबव, लेट मी राइट सेंटर ओ, ओ डेल्टा एक्स कैन नॉट बी जीरो,
मतलब इसका ये हो गया कि इसके ऊपर इस सिचुएशन में कहीं, क्योंकि आप ये समझ भी सकते हैं ना सिंपल लॉजिकल कि इधर यही एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, इधर भी एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है, तो कैसे यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो हो जाए? नहीं आ सकता ना, सिंपल सी चीज़ है। तो उसी को अपन यहाँ समझ सकते और यहाँ से मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं कि हाँ किसी भी पॉइंट के लिए उससे ऊपर डेल्टा एक्स अपना जीरो नहीं हो सकता, मीन सेंट्रल मैक्सिमा कैन नॉट लाई एट एनी पॉइंट अबव। इज इट दिस इम्प्लाइज सेंट्रल मैक्सिमा cannot lies above O, सही है ना? तो ये सिचुएशन, अब अगर इसी में जैसे तुम्हें पूछा जाता है, लेट मी रेज दिस पार्ट, ये कंडीशन आप याद रखने का, सेम सिचुएशन है। हाँ, अब इसमें लाइक नीचे वाले पॉइंट के लिए मैं पाथ डिफरेंस लिखता हूँ, तो लेट मी आइदर आई कैन, ओके लेट मी ड्रॉ द डायग्राम हियर, जस्ट ट्राई टू रिलेट इट, इज इट, if I am drawing it slowly it will take lot of time, so I am trying to draw it fast. तो इस तरह से ये अपने पास क्या आ रही है, parallel rays आ रही हैं, right? And let's say this is incident at here S2, ये parallel rays, this is same theta naught. अब मैं यहाँ से इधर कोई point लेता हूँ तो उस point के लिए ये मान के चलो this is your theta now, is it? तो यहाँ से जो rays आएंगी वो क्या आएंगी ऐसे, wait, इस तरह से रेज आएंगी, एंड सिमिलरली फ्रॉम हियर यू कैन राइट दिस वे एक्चुअली। तो ये मेरा कोई पॉइंट लेट से क्यू है जो कि ओ सेंटर से, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से डाउन है। तो अब देखो यहां पे इधर के देख सकते हैं, तो इधर क्या हो रहा है एक्चुअली में, पाथ डिफरेंस क्या आया, एक तो ये आया जिसको मैं उसके हिसाब से अगर लिखूं तो ये डेल्टा एक्स टू है मेरा, और एक पाथ डिफरेंस अब क्या होगा, देखो ये इधर नीचे है तो ये जो S1 से रे आ रही है, S1 ये S2, यहां पे आप समझ सकते हैं फॉर पॉइंट Q द रे विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम S1 और पासिंग थ्रू S1 इज कवरिंग एक्स्ट्रा डिस्टेंस बिकॉज दिस लेंथ इज ग्रेटर देन दिस लेंथ, एक्चुअली S1 Q इज ग्रेटर देन S2 Q, इज इट? सो फॉर पॉइंट बिलो, इज इट, पॉइंट क्यू बिलो ओ, इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे यू कैन राइट एस वन क्यू इज ग्रेटर देन एस टू क्यू, और यहां पर भी एग्जैक्टली ये थीटा है, तो मैं फिर से वही तरीका अप्लाई करके ये इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एक्स वन, तो डेल्टा एक्स वन वही हो जाएगा ये थीटा यहां से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ डी साइन थीटा, और ये वाला पाथ को मैं डेल्टा एक्स टू को लिख सकता हूँ डी साइन थीटा नॉट, इज इट? तो अब इधर के लिए नीचे के लिए क्या, अब देखो एक पॉइंट आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, ये पाथ और ये एग्जैक्टली जीरो मतलब बराबर हो जाएंगे, वहां पे हमारा क्या आएगा सेंट्रल मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा आएगा। उससे पहले क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये वाला एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा होगा, तो हम लिखेंगे पाथ डिफरेंस दिस माइनस दिस, एक्चुअली इस पॉइंट के बाद होगा, लेट मी राइट इट एक्चुअली, ओके, तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पे आपको बस सोच समझ करके और जो मेथड अपन फॉलो कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें पाथ डिफरेंस सिंपली एक्सप्रेस करना है, करेक्ट ना? सो मैं अभी लिख रहा हूँ फॉर पॉइंट क्यू, इज इट, फॉर पॉइंट क्यू, तो इसके लिए डेल्टा एक्स मैं लिख सकता हूँ, ये क्या आ जाएगा, आइदर इट विल बी लाइक यू कैन राइट डेल्टा एक्स टू माइनस डेल्टा एक्स वन, और इट विल बी डेल्टा एक्स वन माइनस डेल्टा एक्स टू, ये भी मैं बता दूंगा कि कब किसको लेना है अभी, है ना? तो अभी मैं जनरल टर्म्स में मैं डेल्टा एक्स क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा नॉट माइनस डी साइन थीटा, ये आ गया पाथ डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली में यहाँ पॉसिबिलिटी है कि नीचे किसी पॉइंट पर अपना क्या हो जाए पाथ डिफरेंस जीरो हो सकता है, वो आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि इधर अभी क्या हो रहा है, ये स्क्रीन से जो स्क्रीन है हम इसको बी लेते थे, ये सी स्क्रीन है, तो स्क्रीन बी से पहले क्या है, जो एस टू से पास कर रही है रे वो एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, बी के स्क्रीन बी के बाद क्या हो रहा है, जो रे एस वन से पास कर रही है वो एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रही है, अगर ये एक्स्ट्रा और ये एक्स्ट्रा दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसी पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा, तो वो पॉइंट हम एग्जैक्टली बता सकते हैं, इज इट? सो पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यू कैन राइट पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा
लेट मी राइट दिस पॉइंट एज ओ प्राइम, क्योंकि ओ मेरा ये है, ओ इज दिस पॉइंट, तो मैं कहीं लिख रहा हूँ ये जो मेरा पॉइंट है, लेट से ओ प्राइम, क्लियर है जहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, तो उसके लिए आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स वुड बी जीरो एंड दिस इम्प्लाइज डी साइन थीटा नॉट शुड माइनस डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू जीरो कैंसल, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा शुड बी साइन थीटा नॉट, दिस इम्प्लाइज थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा नॉट। तो एग्जैक्टली ये जो यहाँ से हम देखेंगे कि इधर की तरफ नीचे जब थीटा इस ओ पे, थीटा प्राइम ओ प्राइम पे, थीटा की वैल्यू थीटा नॉट के बराबर हो जाएगी, वहाँ पे अपना क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा लाई करेगा, क्लियर ना। सो यहाँ समझ में आ गया, ओ प्राइम पे अपना सेंट्रल मैक्सिमा है, फॉर दिस एंगल इज गिवन बाय दिस। हाँ, अब मैं इसको लिखता हूँ, इज इट फॉर पॉइंट, बेसिकली पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट बिलो ओ प्राइम। अब ओ प्राइम पे देखो क्या हो गया, ओ प्राइम पे हो क्या रहा है, ओ प्राइम पे ये वाला पाथ एक्स्ट्रा और ये वाला एक्स्ट्रा बराबर हो गए, कैंसल आउट हो गया। अब जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो ये तो कांस्टेंट हो गया और ये क्या होगा, बढ़ेगा इसके कंपैरिजन में ये, तो ओ प्राइम पे क्या लिखूंगा मैं, ओ प्राइम से नीचे के वाले पॉइंट के लिए क्या लिखूंगा, डेल्टा एक्स विल बी माय दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर, इज इट, सो यू कैन राइट डी साइन थीटा माइनस डी साइन थीटा नॉट, राइट। एंड सिमिलरली यू कैन राइट पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट अबव O prime but below O, O और you can write in between O and O prime, तो इसमें क्या हो रहा होगा, basically ये quantity ज़्यादा हो रही है, right, और उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, in that case delta x is equal to d sin theta naught minus d sin theta, तो ये आपका simple सा पाथ डिफरेंस आ गया। अब आपको जो भी कंडीशन, जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये इसके बराबर, वो उसके बराबर वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आप एग्जैक्टली निकाल सकते हो। जैसे मैं सिंपल सा आपको लाइक क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं पूछ लिया देता हूँ आपको कि ओ पॉइंट पे जो मेरा ओ है ना, वहाँ पे ये बताइए कि मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। तो ओ के लिए आप ये वाली कंडीशन लगा सकते हो, ओ के लिए आपका थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गई, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, डी साइन थीटा नॉट के बराबर। अब मैं डी साइन थीटा नॉट को चेक करूंगा कि मेरा एन लेमडा का मल्टीपल है या लेमडा बाई टू का ऑड मल्टीपल है। अगर ये लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल है तो इसका मतलब मेरा ओ पर क्या होगा, मैक्सिमा ही बनेगा, बट वो सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अगर ये मेरा जो यहाँ पे इज इट, इस पॉइंट के लिए मैं पाथ डिफरेंस लिख रहा हूँ, वो लैम्डा बाई टू का ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि इस पॉइंट पे मेरा क्या हो रहा है, एक्चुअली में डार्क फ्रिंज बेसिकली बन रहा है। तो इस तरह से हमें जो भी सिचुएशन पूछी जाती है हम एग्जैक्टली वही निकाल सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल आपको पाथ डिफरेंस लिखना आना चाहिए। बाकी जो भी सिचुएशन पूछी जा रही है थोड़ा सा आप सोच करके चलोगे, आई थिंक दिस इज़ वेरी इजी केस। सो दिस इज़ अबाउट वाई डी एस सी विद ऑब्लिक इंसिडेंस, लेट मी सॉल्व वन प्रॉब्लम सो दैट यू आर कंफर्टेबल विद इट। ओके ओके, सो लेट्स सी द एप्लीकेशन ऑफ दैट वाई डी एस सी विद द ऑब्लिक इंसिडेंस। We have here one problem exactly based on same. So let me first read it. So in a YDIC with capital D, here given as 1 meter and small d 1 mm, light of wavelength 500 nanometer is incident at an angle of 0.57 degree with respect to axis of symmetry of the experimental setup. ये दे रखा है जो axis of symmetry of the experimental setup से incident light 0.57 degree angle पे incident है, and wavelength lambda आपको दे रखा है इसका जो use कर रहे हैं that is 500 nanometer. Okay, this is the, if center of symmetry of the screen is O, तो O screen का center of symmetry है दे रखा है as shown actually.
फाइंड पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आई नॉट, मतलब अगर सेंट्रल मैक्सिमा कहीं होगा उस पर इंटेंसिटी आई नॉट है तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होगी वो भी आपको बतानी है, एंड नंबर ऑफ मैक्सिमा लाइंग बिटवीन ओ एंड सेंट्रल मैक्सिमा. ओके सो फर्स्ट थिंग इज पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, राइट. सो लेट मी सॉल्व इट. ए पार्ट, पहली बात यहाँ पे आप समझ सकते हैं इफ़ यू जस्ट रिमेंबर जस्ट लाइक बैक थ्योरी पार्ट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये थीटा इधर से जो सिमेट्रिकल एक्सिस है ऊपर से है, तो बेसिकली यहाँ कहीं भी हमारा सेंट्रल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सेंट्रल मैक्सिमा डेफिनेटली इधर ही कहीं ये थीटा पे लाई करेगा. इज इट क्लियर? एंड इफ यू रिमेंबर द कंडीशन एक्चुअली, तो वो भी अपन ने देखा था कि जो सिमेट्रिकल एक्सिस है उसे डाउन होगा, एंड वी नो एक्चुअली फॉर दैट डेल्टा एक्स अपन लिखते हैं डी साइन थीटा नॉट माइनस डी साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से हमारे पास आता है थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, ये कंडीशन आपको अगर याद हो. तो यहाँ इस पॉइंट के लिए मैं लिखता हूँ दैट थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा नॉट. तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, थीटा आ गया, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, और वो तुम्हें दिखा है 0.57 डिग्री, तो जिसको आप लिख सकते हो 0.57 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई इन रेडियन. तो ये सॉल्व होकर के बेसिकली पाई बाई 180 इज आल्सो 1/57 डिग्री, सो दिस कम्स आउट टू बी 0. बेसिकली यू कैन राइट 10^-2 रेडियन दिस थीटा. अब एक्चुअली में हमें पूछा गया पोजिशन, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट, तो अगर ये ऊपर वाई है तो ये नीचे मेरा क्या आएगा, अब कुछ माइनस वाई आएगा, तो मेरे को जस्ट वैल्यू निकालता हूँ. तो आई कैन राइट बेसिकली दिस वाई इज इक्वल टू वॉट, माइनस ऑफ डी इंटू टेन थीटा. क्लियर ना, क्योंकि थीटा यहाँ पर छोटा है और ये अपने पास डी है, तो ये वाई क्या आ जाएगा, डी इंटू टेन थीटा एक्चुअली. और माइनस का वो इसलिए बस कि जो हमारा ओ है उससे डाउन के लिए. तो वाई कितना आ गया यहाँ पर, डी कितना है हमारा, माइनस 1 मीटर इंटू ये स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू माइनस डी इंटू थीटा, और यू कैन राइट माइनस ऑफ डी इंटू थीटा नॉट, एंड दिस थीटा नॉट वैल्यू इज 10^-2. तो वाई आपका आ गया बेसिकली माइनस 1 सेंटीमीटर. सो दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. क्लियर? ओके. तो सेंट्रल मैक्सिमा कहीं यहां पे अपना ओ प्राइम लाई करेगा. क्लियर? ऑलराइट. जो बी पार्ट पूछा था, तो देख सकते हैं इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है चीजें, बहुत आसान बेसिक एप्लीकेशन है ना. तो अभी अपन बात करते हैं बी पार्ट के लिए, इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा. तो पहले तो हम डेल्टा एक्स निकालते हैं, डेल्टा एक्स एट ओ, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाता है इसमें, डी साइन थीटा नॉट. यहाँ पर भी ध्यान से ध्यान रखने का कि थीटा नॉट हमारा यहाँ पे बहुत छोटा है, अगर ये 30 डिग्री 50 डिग्री और 60 45, मतलब कुछ बड़ी एंगल होता तो हम इसको डी साइन थीटा से ही सॉल्व करते हैं. तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी इंटू थीटा नॉट, और डी की वैल्यू कितनी है, 1 × 10^-3 1 mm, और थीटा नॉट अपने पास कितना है, 10^-2. तो ये आ गया अपने पास जो डेल्टा एक्स आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 10^-5, राइट. इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज मीटर, दिस इज इक्वल टू 10^10,000 40. तो ये इधर इंटू 10^-9 मीटर, और यू कैन राइट 10,000 नैनोमीटर. ओके, अब ये देखते हैं कि क्या मेरा डेल्टा एक्स एन लैम्डा का मल्टीपल है. अगर है तो इसका मतलब ओ पे मेरा क्या बनेगा, मैक्सिमा, नॉट सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा तो यहाँ आ गया. तो अभी मैं देखता हूं, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 10,000 नैनोमीटर सम एन इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल. तो यहां से क्या एन की वैल्यू कुछ इंटीजर आ रही है, एंड यू कैन सी एक्चुअली एन इज इक्वल टू 20. इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअली एट ओ वी आर गेटिंग 20th मैक्सिमा, इज इट. सो एट ओ इट इज 20th मैक्सिमा, और जब मैक्सिमा 20th है तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमा तो कोई सा भी हो इंटेंसिटी तो बराबर होती है. सो आई कैन राइट इंटेंसिटी इज इट एट ओ इज आई नॉट. आई होप दिस टर्म मेक सेंस टू यू. दिस पार्ट सिंपली अपन ने ओ पे क्या किया, डेल्टा एक्स निकाला, सॉल्व करके ये इतना आ गया, डेल्टा एक्स को अपन ने ए लिख लिया. अब ये देख रहे हैं कि क्या ये एन लेमडा के बराबर है या लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल है. यहां पे हमें देख करके पता चलता है कि ये लेमडा का 20th, तो
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 20th मैक्सिमा बन रहा है यहाँ पे, फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, सो हियर वी आर गेटिंग 20th मैक्सिमा। जब मैक्सिमा आ रहा है, 20th आ रहा है, तो इंटेंसिटी तो सीधी सीधी बोल सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी हर एक मैक्सिमा की आई नॉट होती है। तो ये आ गया पार्ट सेकेंड, नहीं जो सी पार्ट है, नंबर ऑफ मैक्सिमा लाइंग बिटवीन ओ एंड सेंट्रल मैक्सिमा, ओ 20th, सेंट्रल मैक्सिमा 0, तो इनके बीच में कितना होंगे, ये 0th मैक्सिमा, देन 1, 2, 3 एंड सो, हाउ मेनी मैक्सिमा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड ओ प्राइम एंड 0, सॉरी ओ प्राइम एंड ओ, दैट इज 19, इज इट। सो हियर यू कैन राइट फॉर सी पार्ट, नंबर ऑफ मैक्सिमा लाइंग बिटवीन ओ एंड सेंट्रल मैक्सिमा, दोनों को एक्सक्लूड कर दिया जाए, इज इट, एक्सक्लूडिंग बोथ, दैट इज इक्वल टू 19 बोथ, मतलब ओ और सेंट्रल मैक्सिमा दोनों को एक्सक्लूड कर दिया, तो दोनों के बीच में 19 मैक्सिमा लाई कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इट्स लाइक बेसिक, बहुत कितना आसान प्रॉब्लम है, अगर आपको लॉजिकली चीज़ें समझ में आ रही हैं, इट्स सिंपल थिंग एक्चुअली, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स। तो वाई डी एस सी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा इस चैप्टर में, और प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। हाँ, आपको जब नया मॉडल देखोगे तो आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स लग सकता है, आई कैन से दैट, बट वंस यू सॉल्व इट, वंस यू गेट फैमिलियर विद द मॉडल, विद द अप्रोच, इट विल बी लाइक वेरी इजी, देन यू कैन ट्राई, यू कैन सॉल्व इवन लाइक न्यू प्रॉब्लम्स आल्सो इजीली। सो ट्राई एज मेनी प्रॉब्लम एज यू कैन एक्चुअली। सो दिस इज अबाउट बेसिकली IDSC with the oblique incident. Okay, so let's talk about next part, that is phase change of wave for reflection and refraction. एक्चुअली में ये एक टॉपिक है जो कि अपन को नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए काम आने वाला है, जो आप लोगों ने 11th क्लास में स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव में पढ़ा होगा। आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट सो दैट यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट, दैट इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर है क्या चीज़ है, सो इन दिस सिचुएशन एक्चुअली लाइक वी हैव अ लाइक मीडियम, लेट्स से राइट दिस इज रेयर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम। तो अभी क्या होता है, जब हमारी रे और वेव, इज इट, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, व्हेन इट इज पासिंग वी कॉल इट लाइक रिफ्रैक्शन, इज इट। समटाइम व्हाट इज हैपनिंग, इट्स लाइक सिंपली फ्रॉम द इंटरफेस, फ्रॉम द बाउंड्री, इट्स रिफ्लेक्टिंग बैक, और इट्स लाइक बेसिकली, इज इट, मेकिंग यू टर्न एंड लाइक प्रोपिगेटिंग इन द सेम मीडियम, तो उसको अपन रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो वो हमें समझना है कि लाइक कौन से केस में हमारा फेज डिफरेंस आता है, कौन से केस में नहीं आता है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी यूजफुल, इज इट। तो अभी जो देखो, आपने देखा होगा कि इफ लेट सपोज रे इज इंसिडेंट इन दिस मीडियम, लेट से रेयर मीडियम, एंड इट्स गोइंग बैक टू डेंसर मीडियम, दिस इज रिफ्रैक्शन, इज इट। तो रिफ्रैक्शन में भी अगर हम देखते हैं कि रेयर से, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर आपकी रे जा रही है, इन दिस केस देयर इज नो फेज चेंज, किसी का भी कोई फेज चेंज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा फाई इक्वल टू 0। इसको आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो एक्चुअली में, कि आपका लाइक एक ये रेयर मीडियम है, इसमें आपका लाइक लेट से वेव इज ट्रेवलिंग लाइक दिस, एंड नेक्स्ट इट इज पासिंग गोइंग टू सम डेंसर मीडियम, इज इट। अगर ये डेंसर मीडियम में जाता है तो उसके बाद भी जो रे है, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी विल चेंज एक्चुअली, एम्पलीट्यूड विल चेंज लाइक दिस, बट रे दिस विल पास ऑन सिंपली विद सेम फेज एक्चुअली, सो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन फेज। तो यहाँ पे डेल्टा फाइ आप लिख सकते हो 0 होगा, जब रे हमारी वेव हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है, और यू कैन से वी कैन कॉल इट रिफ्रैक्ट हो रही है, इज इट। ये स्ट्रिंग वेव की टर्म्स में समझे तो हम इसको ट्रांसमिट कहेंगे, और यहाँ पे अगर लाइक लाइट वेव के लिए तो देन वी कैन कॉल इट इट्स रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन में जब वेव सीधी रेयर से डेंसर में जा रही है, देर इज नो चेंज इन फेज। सिमिलरली व्हेन रे इज पासिंग फ्रॉम लेट्स से डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, एक्चुअली दिस इज डेंसर टू रेयर मीडियम, तो यहाँ पे रे अगर अपनी, पहले ये मैं मानता हूँ डेंसर मीडियम है, इज इट, और फिर ये रेयर मीडियम में पास कर रही है, इज इट, सो दिस इज
basically in this situation also you can write delta phi is equal to zero. There is no phase change actually. So here also delta phi is equal to zero. Clear? Okay. Next case. Next case में denser, right? If it is let's suppose going ray this way and reflecting back. अभी ये कौन से मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है? इट्स रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम रेयर मीडियम. व्हेन इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम रेयर मीडियम देन आल्सो डेल्टा फाइ इज इक्वल टू जीरो एक्चुअली, इज इट? सो यू कैन राइट दिस इज केस वन टू थ्री, केस वन टू, इज इट? लेट मी राइट इट थ्री. तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये आप जो फिक्स्ड बाउंड्री है, मतलब मैं इस सिचुएशन को अपन ऐसे लिखते हैं, दिस इज लूज एंड, और ये अपनी, तो ये अगर जो अपनी रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, और सॉरी वेव इंसिडेंट है आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, योर वेव विल प्रोपेगेट एग्जैक्टली इन सेम फेज. दिस इज योर इंसिडेंट एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड एंड देयर इज नो चेंज इन फेज. हियर आल्सो यू कैन राइट डेल्टा फाइ इज इक्वल टू एक्चुअली जीरो. क्लियर? ये आपको याद रखने होंगे, ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, मैं जस्ट इसको आपको रिवाइज कर रहा हूँ सो दैट यू आर स्टिल फैमिलियर, यू आर कीपिंग थिंग्स इन योर माइंड सो दैट यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि अगर एक रे हमारी रेयर मीडियम में इंसिडेंट है और वो डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है, डेंसर से रिफ्लेक्ट हो रही है, इट्स रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम. लेट मी राइट दिस इज फोर्थ केस. तो इसको आप समझने के लिए, इज इट? तो यहां पे क्या हो रहा है, दिस इज माई नाउ सॉलिड बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्री, एंड नाउ हियर योर रे इज इंसिडेंट लाइक दिस. ये इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट वेव, इज इट? सॉरी आई एम राइटिंग इट रिपीटेडली रे. इट्स इंसिडेंट वेव पल्स. तो इस सिचुएशन में जो ये हैंड है वो क्या है, फिक्स्ड एंड. फिक्स्ड एंड हमारा एक रिजिड मीडियम और सॉरी डेंसर मीडियम की तरह काम करता है इस सिचुएशन में, और ओनली यही सिचुएशन है एक्चुअली. इन दिस केस योर रिफ्लेक्टेड रे विल बी दिस वे, इट विल बी ट्रेवलिंग लाइक दिस. तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड वेव होगी, एंड हियर देयर विल बी डेल्टा फाई फेज चेंज ऑफ पाई. तो इस सिचुएशन में एक्चुअली में आपने ये 11th क्लास में देखा होगा कि यहाँ पे होता ही है कि जब ये रे ऐसे जा रही है, दिस इज ट्राइंग टू पुल एक्चुअली, ये थोड़ा सा और आगे जाएगी तो इनको जो एलिमेंट है रोप के स्ट्रिंग के उनको ऊपर खींचती है, एंड दे आर लाइक फ्री टू मूव अपवर्ड, एंड दैट्स हाउ योर लाइक वेव पल्स इज प्रोपिगेटिंग एक्चुअली. वैन फाइनली दिस वेव पल्स इज रीचिंग हेयर एक्चुअली एट दिस एंड, उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ये जस्ट यहाँ पर पहुँच गई है वेव पल्स, अभी क्या होगी, ये वेव पल्स इन इस एंड को और ऊपर खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन ये एंड क्या है, फिक्स है, तो अब ये ऊपर खींच नहीं सकता, एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ये फिक्स एंड क्या करेगा, इसको नीचे खींच लेगा. तो इसने फोर्स लगाया, अभी तक तो यहाँ फ्री था, मतलब लाइक ऊपर जा सकता था, तो इसलिए वो चला गया, इसलिए चला गया, है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या था, ये फिक्स्ड लाइक एंड नहीं था, ये फ्री था, तो जब इसको ऊपर मूव कराने की जरूरत थी तो ये स्लाइड हो गया, एंड दैट्स हाउ लाइक इट्स कमिंग बैक, एंड इस ऐसे ही रिफ्लेक्टेड हो गई. इस सिचुएशन में क्या हो रही है, जब इसको ऐसे ऊपर खींचने की कोशिश करेगी तो बिकॉज दिस एंड इज फिक्स्ड, तो अब ये ऊपर मूव कर नहीं सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये फिक्स्ड एंड और इसको नीचे फोर्स लगाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गेट इन्वर्टेड, और इस तरह से आपकी रे ऐसे लाइक वेव इस तरह से पल्स इंसिडेंट थी, एंड द रिफ्लेक्टेड पल्स विल बी लाइक दिस, एंड बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड पल्स देयर विल बी ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई. क्लियर? तो फेज डिफरेंस पाई आ जाने से हमारा लाइक यहां पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में जो इंटरफेरेंस है दैट विल चेंज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो सिंपल सी चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि रिफ्रैक्टेड के रिफ्रैक्शन के केस में रे और वेव कहीं से भी जा रही है अपनी, डेंसर से रेयर या रेयर से डेंसर, देयर इज नो फेज चेंज इन आइदर केस. In case of reflection, if it is reflecting from rare medium, again there is no change in phase. Reflecting from rare medium, this is reflection from rare medium. Rare medium,
अगेन यू कैन राइट डेल्टा फाई इज इक्वल टू जीरो. लेकिन व्हेन इट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम देन देयर इज फेज चेंज ऑफ पाई. रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, उस सिचुएशन में हमारी जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसका फेज पाई से चेंज हो जाता है. ये फेज चेंज अपन ने ये भी मालूम है डेल्टा फाई इज रिलेटेड टू 2 pi बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स. और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा फाई इनटू लैम्डा अपॉन 2 pi. इज इट? तो यहाँ पे अपने पास डेल्टा फाई पता है तो हमारे पास डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस भी आ जाता है. पाथ डिफरेंस तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई इंटू लैम्डा बाई 2 pi कैंसल, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2. तो मतलब पाई फेज डिफरेंस इज इक्वलेंट टू लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस. समझ में आ रहा है यहाँ पे? इसका मतलब देखो ऐसा हो जाता है एक्चुअली में. सो दिस इज द थिंग एक्चुअली विच यू शुड कीप इन माइंड बिकॉज इट्स गोइंग टू बी यूजफुल इन द नेक्स्ट टॉपिक. यहाँ पे देखो सिचुएशन क्या हो रही है हमारी एक्चुअली में. एक वेव पल्स हमारे पास लेट्स से इस तरह से इंसिडेंट हो रही है ना. और अगर वो इसी तरह से इन रिफ्लेक्टेड हो जाएगी तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? उस सिचुएशन में अपना लाइक वी कैन से इट विल बी लाइक इन सेम फेज और इन लाइक आवर बाकी दूसरी पल्स पे अपन देखेंगे कि वो जो जिस पे लाइक सुपर इम्पोज हो रही है वो उसी डायरेक्शन में भी आना चाहिए इंटरफेरेंस होने के लिए. तो ये जो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि अगर ये लाइक फ्री एंड है, रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसी फेज में रिफ्लेक्टेड हो जाएगी. और दूसरी वेव है अगर वो इसी फेज में तो इंटरफेरेंस कैसा हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव. अगर यहाँ पे एक पल्स इस तरह से है और ये डेंसर मीडियम हो जाता है तो रिफ्लेक्टेड पल्स इस तरह से हो जाएगी. और उस सिचुएशन में ये रिफ्लेक्टेड और अगर दूसरी पल्स हमारी इस फेज में, तो यहाँ आप देख सकते हो कि इंसिडेंट हमारा लाइक इंटरफेरेंस क्या होगा यहाँ पे, लाइक इट्स बेसिकली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये अभी चीज़ अपन आगे देखने वाले हैं. अभी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए कि इस सिचुएशन में आपका जब जो रिफ्लेक्शन है वो डेंसर मीडियम से होता है तो उस सिचुएशन में हमारी वेव का फेज चेंज हो जाता है पाई से, एंड दैट रिजल्ट इन पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2. क्लियर? सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक और लाइक दिस लेक्चर. लेट्स कंटिन्यू विद द थिन फिल्म इंटरफेरेंस फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.